आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी को लेकर एक बात हमेशा से कही जाती है कि वो अपना रूल खुद बनाती है और अपने हिसाब से उस रूल को बदल भी देती है। कभी कभी तो किसी बड़े नेता के लिए बड़े से बड़ा रूल भी चेंज हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर होने के बाद भी भाजपा नेता के लिए प्रचार किया, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नरेंद्र सिंह तोमर कैसे वोट मांग सकते हैं, ये गलत है। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने नरेंद्र सिंह तोमर ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भाजपा का प्रचार करने को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अब लगता है तोमर ने सरेंडर कर दिया है। इसलिए तो नरेंद्र सिंह तोमर अब सार्वजनिक रूप से भाजपा का प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, अब उनके बेटे द्वारा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया जा रहा है। तो इसीलिए अब जब तोमर नजर नहीं आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने कांग्रेस की शिकायत करने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इंडिया गठबंधन ने उठाए हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की गांजे की खेती वाले वायरल वीडियो को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर अब सवाल उठाए गए हैं। बता दें, मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई दलों के साथ मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सचिव एवं इंडिया गठबंधन के नेता जसविंदर सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा अभी तक पिछले वचनों पर खरी नहीं उतरी है, यही कारण है कि भाजपा विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में किए गए वादे कहा गए, जवाब दे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी। जसविंदर सिंह का बयान आप भी सुनिए। अगर आप यहाँ पर पूछो तो यहाँ पर आकर वो कह देते कि प्रत्याशी को मत देखिए, मोदी को देखिए। आप ग्वालियर में पहुंच जाओ तो प्रत्याशी को मत देखिए, मोदी को देखिए। तो क्या हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मोदी करने वाले हैं या हमारे जो सांसद है वो करने वाले हैं? तो इस प्रकार वो जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी हो गई है। बीजेपी का अर्थ है भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, 2 दिन पहले भोपाल के अंदर भाषण देते हैं कि 4,000 करोड़ का एनसीपी के नेताओं ने घोटाला किया है। भाषण देते हैं कि चक्की पीसेंगे, शोले का डायलॉग बोलते हैं कि चक्की पीसेंगे, चक्की पीसी। और उसके बाद वही अजीत पवार उनकी सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही आगे उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी निशाना साधा, वो भी सुनिए। नरेंद्र सिंह के बेटे पे 100 करोड़ का नहीं, अगर आप मीडिया अगर उस वीडियो को आप देखें तो उस मीडिया में वीडियो में जो बताया गया है कि 10,000 करोड़ की उन्होंने जो है कि कनाडा के अंदर जो है कि गांजे की खेती के लिए जमीन खरीदी है। और उसके बाद इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जाती थी कि उसके बाद कम से कम जो है कि उनको हटा दिया जाता। लेकिन अब जो है कि मंत्री पद की बजाय जो है कि उनको एक संवैधानिक पद पर बैठा दिया गया है। और संवैधानिक पद पर बैठने के बाद पहले उन्होंने संविधान का अपमान करते हुए वो चुनाव प्रचार में उतरे, और उसके बाद उनका जो बेटा है, जब शिकायत होने के बाद वो घर बैठ गए हैं। और उनका बेटा जो खुद एक अपराधी है, 10,000 करोड़ रुपए का जिन पर आरोप लगा है, वो लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहा है। ये जो प्रश्न है, और सिर्फ यही नहीं है, अभी तो हमने ये भी सुना है कि अब और लोगों के ऊपर भी, दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और उस दबाव में जो है कि उनका बेटा और नरेंद्र सिंह जी शामिल हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी कहा जा रहा है कि आपका को भी अपनी पार्टी के अंदर शामिल करने की कोशिशें हो रही है। ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी बन गई है, उस अभियान को मुरैना जिले के अंदर तेज करने की उनकी कोशिश है।
आपको ये भी बता देते हैं कि मामला क्या है। पिछले साल नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इस पर खूब बवाल मचा था। वीडियो में देवेंद्र प्रताप तोमर कथित तौर पर करोड़ों रुपए के लेन देन और कई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने पैसे को लेकर बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, इसी को लेकर अब इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाया है कि वो भी क्यों प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।